जल्द ही पंजाब के लुधियाना और उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने वाली हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस हवाई रूट पर इन गर्मियों में हवाई उड़ान बहाल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। लुधियाना से आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा ने दावा किया है कि केंद्र लुधियाना से दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमत हो गया है। अरोड़ा ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें एक आधिकारिक संचार में ये सूचित किया है कि एलायंस एयर ने 2017 में शुरू हुआ हिंडन लुधियाना हिंडन हवाई मार्ग अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 31 अगस्त 2020 को इस पर परिचालन बंद कर दिया गया था। वर्तमान में लुधियाना हवाई अड्डे पर कोई निर्धारित उड़ान संचालन नहीं है। उड़ान रूट हिंडन लुधियाना हिंडन को उड़ान 4.2 बिडिंग राउंड के तहत 19 सीटर प्रकार के विमानों के साथ बड़े चार्टर्स को दिया गया है, जो समर शेड्यूल 2023 में परिचालन शुरू कर सकते हैं। अरोड़ा ने सिंधिया को संबोधित अपने पत्र में कहा था कि वो एक ऐसे मामले की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो यात्रियों और पंजाब के लुधियाना के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। अरोड़ा ने सिंधिया को लिखा था कि उड़ान के तहत लुधियाना के लिए एक फ्लाइट थी जो कोविड में रुक गई और फिर कभी शुरू नहीं हुई, जिसके जवाब में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 27 जनवरी को अपना आधिकारिक संचार सांसद संजीव अरोड़ा को भेजा था, जिसमें उन्होंने अरोड़ा को ये कहते हुए सूचित किया कि उन्होंने लुधियाना के लिए उड़ानों पर विचार करने के लिए सभी एयरलाइंस को अपना अनुरोध परिचालित कर दिया है। यकीनी तौर पर 3 साल बाद इस हवाई रूट के खुलने से न सिर्फ यात्रियों को सहूलियत होगी, बल्कि व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी।